सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई आज का वीडियो होने वाला है जियो सिनेमा एंड जो डीसी के सुपर हीरो शोज हैं उनके ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि जो डीसी के सुपर हीरो वाले टेलीविजन सीरीज हैं वो आप लोग को जियो सिनेमा पे अभी क्यों नहीं देखने को मिलती हैं, एंड क्या ये शो जब जियो सिनेमा पे आएंगे तो आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर भाई मैंने आप लोग को बोला था कि एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, तो इस वीडियो में वही सबको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, डीसी के जो सुपर हीरो शोज है ना, इस टॉपिक के ऊपर मैंने जितना रिसर्च मारा है, अगर सब कुछ बताने लग गया तो ये वीडियो एक घंटे के ऊपर का बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आप लोगों को समझाएंगे कि भाई अभी करंटली सीन क्या चल रहा है, एंड कि आप लोगों को इन फ्यूचर भाई ये जो डीसी के सुपर हीरो वाले टेलीविजन सीरीज है वो आप लोग को जियो सिनेमा पर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो देखो यार, ये सब समझने से पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि डीसी जो है उसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इनके सुपर हीरो वाले शोज है, लेकिन इसी के साथ इनके कुछ अदर लाइक कैटेगरी के भी शोज आते हैं। प्लस इसी के साथ भाई आप लोग को डीसी का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अलग देखने को मिलता है, एंड इनका आप लोग को एरोवर्स अलग देखने को मिलता है जो कि टेलीविजन फ्रेंचाइजी है, एंड जो टेलीविजन सीरीज है उसको लाइक चलाता है द सीडब्ल्यू नेटवर्क, एंड जिसके अंदर वार्नर ब्रोस के भी लाइक शेयर्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो है नेक्स्टा मीडिया ग्रुप के पास। वही डीसी का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो आता है वार्नर ब्रोस के अंदर। तो दैट्स व्हाई आप लोग को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड जितने भी बैटमैन मूवीज के पार्ट्स थे ये सब लाइक ऐड होते हुए देखने को मिल गए जियो सिनेमा के ऊपर, एंड फ्यूचर में भी सारी मूवीज आप लोग को ऐड होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अब देखो इसी के साथ डीसी के आप लोगों को कुछ अलग और शोज देखने को मिलते हैं जो कि वो डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला होगा द सैंडमैन, एंड इसी के साथ ही आप लोगों ने स्वीट टूथ देखा होगा। तो ये सारे शोज तो आप लोगों को कभी भी जियो सिनेमा पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये हैं भले ही डीसी कॉमिक के शोज लेकिन इनको बनाया नेटफ्लिक्स ने है, तो ये आप लोग को उधर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे भाई जो शोज एरोवर्स के अंदर में आते हैं एंड जो शोज भाई लाइक वार्नर ब्रोस ओन करता है वो आप लोग को इन फ्यूचर डेफिनेटली जियो सिनेमा पर देखने को मिलेंगे, एंड यही अच्छी खबर है फैंस लोग के लिए। बट अब देखो यहाँ पे आप लोग को चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी सिंपल आगे होने नहीं वाली हैं, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से जो डील हुई है जियो सिनेमा की उसको देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो HBO के कंटेंट है ओरिजिनल एंड जो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के अंदर कंटेंट आते हैं वो सब आप लोग को जियो सिनेमा के ऊपर आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, एंड उनके जो नए शोज हैं वो भी आप लोग को जियो सिनेमा पर ही देखने को मिलेंगे। बट HBO मैक्स ओरिजिनल एंड इसी के साथ ही जो CW के शोज हैं वो क्या आप लोग को जियो सिनेमा पर देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर आप लोग को कहीं भी क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। एंड यही रीजन है कि आप लोग को भाई करंटली जो HBO ओरिजिनल है जिसके अंदर लेटेस्ट सीरीज द लॉस्ट ऑफ अस आती है, हाउस ऑफ द ड्रैगन आती है, गेम ऑफ थ्रोन्स आती है, एंड और भी मल्टीपल शोज हैं वो आप लोगों को करंटली जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाते हैं, एंड इसी के साथ ही जो वार्नर ब्रोस की मूवीज हैं वो भी आप लोग को जियो सिनेमा पर अवेलेबल करा दी गई हैं। लेकिन जो मैक्स ओरिजिनल सीरीज है जिसके अंदर आती है पीस मेकर, डूम पेट्रोल, रेस बाय द वुल्फ एंड और भी काफी सारे अदर लाइक मैक्स ओरिजिनल शोज, एंड इसी के साथ ही जो CW के शोज हैं जिसके अंदर आता है द फ्लैश, एरो, एंड इसी के साथ ही आप लोग को भाई सुपरमैन एंड लोइस वाली जो सीरीज है वो भी देखने को मिलती है, एंड ETC और भी काफी सारे शोज हैं जो कि CW के अंडर में आते हैं। एंड अभी करंटली ये शोज आप लोग को जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल कराए नहीं गए हैं। तो कायदे से अगर आप लोग देखो तो HBO एंड जो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के कंटेंट है वो देखने को मिलते हैं, वहीं आप लोग को भाई मैक्स ओरिजिनल एंड जो CW नेटवर्क के अंदर लाइक शोज आते हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या आप लोग को इन फ्यूचर यही सेम चीज देखने को मिलती रहेगी? तो देखो अभी करंटली तो हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो सुपर हीरो की टेलीविजन सीरीज है एंड जितने भी मैक्स ओरिजिनल शोज है अगर सब कुछ सही बैठा देन उनके आप लोग को जियो सिनेमा पर आने वाले टाइम में एक अलग ही गैलरी देखने को मिलेगी। प्लस इनकी जो डील है वो भी शायद आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिले बाकी सारे डील के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई मल्टी ईयर डील हुई थी प्राइम वीडियो के साथ, एंड इसी के साथ ही एरोवर्स के कुछ शोज आप लोग को अभी करंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया के अंदर स्ट्रीम करते हुए देखने को मिलते हैं। एंड जब तक ये सारी डील लाइक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक तो आप लोग को भाई ये सारे शोज लाइक जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल कराए नहीं जाएंगे, एंड इसमें बताया जा रहा है कि अभी टाइम लगेगा, मे बी आप लोग को इस साल के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर तक ये सारे शोज जो है वो जियो सिनेमा के ऊपर ऐड होते हुए देखने को मिले, क्योंकि भाई इन सारे शोज को भी कोई ना कोई लाइक OTT प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि इंडिया के अंदर इनके लाइक शोज को स्ट्रीम कर पाए, एंड ऐसा नहीं है कि ये शोज आप लोग को जियो सिनेमा पर अवेलेबल कराए नहीं जा सकते हैं। इससे पहले जो शोज आप लोग को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलते थे उनके राइट जब नेटफ्लिक्स से खत्म हो गए थे तो उनको प्राइम वीडियो पर डाला गया था, जैसे कि द फ्लैश हो गई, एंड इसी के साथ ही जो शोज आप लोग को प्राइम पर देखने को मिलते थे वो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, एंड ये डील ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती है, तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक या फिर इस साल के एंड तक आप लोग को ये सारे शोज जियो सिनेमा
के ऊपर ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की कि अगर ये सारे शोज आप लोगों को इस साल के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर तक जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम करते हुए देखने को मिलते हैं तो क्या इनको हिंदी में डब करा जाएगा। तो देखो भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पुराने शोज तो शायद लाइक हिंदी में जल्दी देखने को ना मिले, लेकिन जो नए शोज हैं जिसके अंदर अपना पीस मेकर सीरीज भी आता है वो सारे शोज आप लोगों को इन फ्यूचर डेफिनेटली हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट प्राइम वीडियो के पास डबिंग के राइट्स नहीं थे तो इसीलिए उन्होंने हिंदी के सब टाइटल लाइक अरेंज कराए थे ऑडियंस के लिए, लेकिन जियो सिनेमा बिकॉज ऑफ हिंदी के राइट्स लेकर चल रहा है तो चांसेस हाई बन जाते हैं कि ये सारे शोज अगर जियो सिनेमा के ऊपर आते हैं तो आप लोगों को फ्यूचर में हिंदी में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। बट यस, इस साल अगर ये शोज जियो सिनेमा के ऊपर लाइक लास्ट क्वार्टर में स्ट्रीम होने भी लगते हैं तभी भी आप लोगों को इनका हिंदी डब इस साल देखने को नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर तक ही अवेलेबल कराया जाएगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या द फ्लैश को फिर से हिंदी डब किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले लाइक कलर सिनेप्लेक्स करके एक चैनल था जिधर द फ्लैश के लाइक पहले सीजन को हिंदी में अवेलेबल कराया गया था, बट बिकॉज ऑफ जीओटी की तरह ही उस टाइम द फ्लैश को उतना अच्छा व्यूअरशिप नहीं मिला था तो दैट्स व्हाई इसके हिंदी डब वर्जन को कैंसिल कर दिया गया था। तो मे बी लाइक फैंस लोग की डिमांड रखते हुए आप लोगों को ये शो हिंदी में देखने को मिल जाए, जैसे आप लोग को आने वाले टाइम में जीओटी देखने को मिलेगा, लेकिन सारे एरोवर्स के शोज हिंदी में आएंगे ये कहना अभी मुश्किल टास्क रहेगा। बट यस, आप लोग को पीस मेकर हो गई या फिर लाइक जैसे रेड्स बाय द वुल्फ सीरीज हो गई, ये शोज हिंदी में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इनके लिमिटेड सीजन है एंड इनको हिंदी डब कराना उतना मुश्किल टास्क नहीं रहेगा। सो अगर आप लोग अभी डीसी के शोज का लाइक जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने का वेट कर रहे हो वो भी हिंदी लैंग्वेज में, देन आई थिंक अभी आप लोग वो वेट छोड़ दो क्योंकि आगे अभी और भी अपडेट्स हैं जो कि उसके ऊपर डेफिनेटली चेंज होंगी। एंड अभी करंटली आप लोग एचबीओ ओरिजिनल शोज का जियो सिनेमा के ऊपर मजा ले सकते हो, बाकी देखो आगे इनके ऊपर जैसे मेरे को और भी मल्टीपल अपडेट्स पता चलती है मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली मेरे को यही कुछ इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर मिली हुई थी, आप लोग बताना लाइक एरोवर्स एंड डीसी के जो भी ओरिजिनल लाइक टेलीविजन सीरीज हैं उनमें किस शो को सबसे पहले हिंदी में देखना चाहते हो, जो भी आप लोग के थॉट्स हैं उसको आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है देन आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।